हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो हमारे लास्ट क्लास में जहाँ तक हुआ था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैं एम्पलीट्यूड पढ़ाया था आपको और एम्पलीट्यूड का बेसिक कंसेप्ट पूरा डिटेल में डिस्कस किया था और किस तरीके से एम्पलीट्यूड को फाइंड करते हैं हम लोग और बेसिकली एम्पलीट्यूड के ऊपर बेस करके जितने भी क्वेश्चंस हैं। फिर आपका पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, तो वो सारे बातचीत अपन ने कंप्लीट कर दिए थे। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली देखने वाले उसके आगे वाला पार्ट जो रिमेनिंग है, एम्पलीट्यूड के प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को देखने वाले हैं, एंड देन उनके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एंड देन हमारा रिमेनिंग जो फाइनल टॉपिक है स्क्वेयर रूट उसको पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एम्पलीट्यूड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एम्पलीट्यूड में पहला प्रॉपर्टी आपको दिया गया है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का एम्पलीट्यूड अगर आप निकालने जाते हो तो वो ऑब्वियसली माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकल करके आएगा। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का अगर एम्पलीट्यूड निकालूंगा तो वो माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर होगा, एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों, चलिए हम देखते हैं, उसका प्रूफ में देखते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के प्रूफ भी मैं करा के दूंगा और प्रूफ सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर आप समझ के कीजिएगा अकॉर्डिंगली सारे चीज़ को। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इक्वल टू माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की बात करूँ तो आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि जेड अगर कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट जो होगा वो कहाँ पे होगा। तो क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे कि जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसी उसी लेंथ में, उसी डिस्टेंस में एक्चुअली। तो क्यों, क्योंकि अगर एक्स प्लस आयोटा आपका कम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। तो जब मैं उसका कंजुगेट निकालूंगा तो वो एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई हो जाएगा, तो रियल पार्ट तो एक्स ही रहेगा बट इमेजिनरी पार्ट जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है तो ये प्लस वाई आपका माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सिमिलरली अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। एग्जैक्टली आप समझ रहे होंगे कि कॉन्जुगेट जो है वो डायरेक्टली एक्स एक्सिस के अबाउट जो उसका मिरर इमेज होता है उस पॉइंट का वही हो जाता है उसका कॉन्जुगेट। क्लियरली अगर आप बात को समझने का प्रयास किए तो, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर कहीं पे भी आप लोकेट कर रहे हो तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट जो मिरर इमेज होगा उसी पॉइंट का वही हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट का लोकेशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्वियसली। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड थीटा था तो वो अगर मिरर इमेज में आ रहा है मतलब ये दोनों डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। लॉजिकली बहुत क्लियर है और बहुत आसान है, बट ज्योमेट्रिकली आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो कैसे लिखना है, जो मैंने समझाया एग्जैक्टली उसी चीज़ को लिख देना है। लेट जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट पी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑन द आर्गन प्लेन, लेट थीटा बराबर एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो हमने थीटा मान लिया पी पॉइंट का, पी जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड, एज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो होगा वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। आप सेकेंड क्वाड्रेंट में मान के भी प्रूफ कर सकते हो, थर्ड में मान के, फोर्थ में मान के भी प्रूफ कर सकते हो, बट बड़ा सिंपल है फर्स्ट में मान के ही प्रूफ करना, इसीलिए मैंने फर्स्ट में ले लिया। तो फर्स्ट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ और उसका एम्पलीट्यूड को मैंने थीटा एज्यूम कर दिया तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में आप काउंट करोगे तो ये थीटा आएगा और वही थीटा आपका एम्पलीट्यूड है। तो अगर मैं इस पी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेता हूँ अबाउट एक्स एक्सिस तो जस्ट वो नीचे आएगा पर्टिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका एम्पलीट्यूड आपको क्लियरली देख के पता चल रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव ऑफ थीटा हो जाएगा, मतलब इसी पॉजिटिव डायरेक्शन से आप क्लॉकवाइज में चले जाओगे। क्लियर है, तो ये चीज आपने एग्जाम्पशन ले ली है, फिर आपने लिख दिए देयर फोर नाउ जेड जेड बार बराबर जो एक्स माइनस आयोटा वाई होगा वो कॉन्जुगेट ऑफ जेड है, एंड लेट द कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर बी रिप्रेजेंटेड बाई पी डैश ऑन द आर्गन प्लेन। ऑब्वियसली अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है जहां पे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो जेड बार जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक
ठीक है, यहाँ पे बस नीचे लिख दीजिएगा एक्स कॉमा वाई दोनों पॉजिटिव, तो ये जेड बार जो होगा वो कन्फर्म है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। अभी क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ये अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो आप क्लियरली देख पाओगे एक चीज कि बोले सर इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा माइनस वाई होगा, तो ये लेंथ तो एक्स ही हो गया, ये लेंथ भी वाई है, ये लेंथ भी वाई है, बात समझ आ रहा है, और ये भी मॉड्यूलस है और ये भी मॉड्यूलस है, तो एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट है बिल्कुल, मैं आराम से बोल सकता हूँ, रीजन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिंस ओ पी इज इक्वल टू ओ पी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड, ठीक है, तो दोनों ही मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड्यूलस सिमिलर है, ठीक है ना। आप देख सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वाई स्क्वायर सेम हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर आपको मिल जाएगा कि पी एम इज इक्वल टू पी डैश एम इक्वल टू वाई, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा दोनों का, मैं लेंथ का बात कर रहा हूँ, और ओ एम जो है वो कॉमन साइड से, ओ एम जो है वो कॉमन साइड से, तो एग्जैक्टली मैं एस 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 से कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। तो अगर एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सी पी सी टी अब क्या बोल सकते हो, रिमेनिंग एंगल्स इक्वल होगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, पी डैश ओ एम भी थीटा है, मतलब अभी मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया एंगल का, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, मैंने प्रूफ कर दिया। और अभी आपको पता चल रहा है कि अगर आपने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किए तो ये अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा जेड बार, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो डायरेक्शन तो उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो इसको माइनस थीटा कंसीडर करेंगे, तो सिंस पी डैश ओ एम इज फॉर्म्ड इन द क्लॉकवाइज रोटेशन देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द नंबर इज टेकन एज नेगेटिव, तो इसका एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा जो माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के इक्वल होगा। दैट्स इट, यही है इसका प्रूफ, इस तरीके से आपको लिखना है अकॉर्डिंगली विद द लॉजिक्स, और जो समझाने वाला पार्ट था वो तो एक ही लाइन का लॉजिक था, बड़ा ऑब्वियस है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे की जगह पे एम्पलीट्यूड कंसीडर किया, इसका मतलब आप समझिएगा अच्छे से, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आर्गुमेंट का बात नहीं किया, अगर मैं आर्गुमेंट का बात करूँगा तो जनरल आर्गुमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस टू एन पाई आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, तो वो आप बाद में जा करके आई टी जे का जब प्रिपरेशन करोगे क्लास 11th में तो अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा, क्लियर। अभी के लिए आप यही समझ के रखो कि इस चीज़ को मैं कहाँ तक सीमित रख रहा हूँ, सिर्फ माइनस पाई ओपन इंटरवल से प्लस पाई क्लोज इंटरवल तक सीमित रख रहा हूँ, जिसको हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट के नाम से जानते हैं, जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम ही होता है, बस यहाँ पे सारे जगह पे प्लस टू एन पाई आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द जनरल आर्गूमेंट, क्योंकि वो रिपीटेशन होता रहेगा टू पाई इंटरवल बाद बाद तो सेम आएगा, तो प्लस टू एन पाई का एडिशन आ जाता है हर जगह पे। वो अभी सोचने का जरूरत नहीं, अभी आप इसी चीज को समझ के रखो, इसी से काम हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी हमने बहुत अच्छे से समझ गए मेरे ख्याल से, कि अगर कभी भी मेरे को z का एम्पलीट्यूड पता है तो डायरेक्टली मैं z बार का एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूँ उसी चीज़ का नेगेटिव करके, उसी चीज़ का नेगेटिव करते हुए मैं डायरेक्टली z बार का एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूँ, ठीक है, माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे नंबर टू और नंबर थ्री को देख करके क्लियरली पता चल रहा है, नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर, ठीक है ना, नंबर फोर, फिर मैं आपको क्या बोलूँ, और बाकी सब तो यही तीन मेन प्रॉपर्टी है, बाकी सब तो सिमिलर है, बाकी सब तो ऑलरेडी डिराइव्ड है, ऊपर वाले से डिराइव्ड है, ठीक है ना, तो इन सब का प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी तो ये तीन ही है, मतलब ये चार ही है, ठीक है ना, बाकी सब तो ऊपर वाले प्रॉपर्टी से ऑलरेडी डिराइव्ड है, आप रिजल्ट बोल सकते हो। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को देख करके आप क्लियरली ये चीज़ बता सकते हो कि सर एम्पलीट्यूड जो है उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो मेरे को क्लियरली देख के एक चीज़ का प्रॉपर्टी के तरह याद आ रहा है, एम्पलीट्यूड फॉलोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम, फॉलो करता है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, क्लियरली आपको मालूम चल रहा है लॉग ऑफ m1 वन इंटू एम टू लॉग एम वन प्लस लॉग एम टू होता है, सिमिलरली लॉग ऑफ m1 वन बाई एम टू लॉग एम वन माइनस लॉग एम टू होता है, लॉगरिदम के प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो लॉगरिदम के प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, अब इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली, जो भी पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ पढ़ाते वक्त, ये आपका
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज़ को प्रॉपरली नोट बना करके रखना। आगे आगे अगर मैं बात करूँ तो नंबर टू में अगर मैं आपको पूछूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली समेशन में कन्वर्ट होगा। तो इस चीज़ को अगर मैं प्रूफ करने जाऊँ तो मैं किस तरीके से प्रूफ करूँगा, देखो इस तरीके का जो प्रूफ्स होता है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन बाई जेड टू, जहाँ पे एक से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होता है, तो एज यहाँ पे एम्पलीट्यूड का बात आया तो आप एक्स वन प्लस आयोटा वन वाई वन कंसिडर करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देखे होंगे कि पहले मॉड्यूलस कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज़ जो भी हमने प्रूफ किए थे उसमें हमने पोलर फॉर्म वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया था, उसमें हमने डायरेक्टली ए प्लस आयोटा बी फॉर्म से काम ख़त्म कर दिया था और हो भी गया था बहुत आसानी से, ठीक है ना। बट यहाँ पे एज एम्पलीट्यूड आ जाता है तो एंगल का कोई ना कोई चक्कर आ जाएगा, अगर एंगल का चक्कर आ जाता है तो आपको होशियार हो जाना पड़ेगा और होशियार होकर के अकॉर्डिंगली एंगल का कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। और आप जानते हो कि आपके पास अभी तक यूलर फॉर्म आप नहीं पढ़े हो, आपके पास अभी तक दो ही प्रकार का एम्पलीट्यूड का सॉरी कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म पता है, एक तो ए प्लस बी आयटा फॉर्म और दूसरा पोलर फॉर्म, ये दो ही फॉर्म आप अभी तक जानते हो। तो एज मैं इन दोनों ही फॉर्म को पिक करने वाला हूँ, ठीक है। तो एज आप ये एम्पलीट्यूड का प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि ए प्लस आयोटा बी से यहाँ से काम नहीं चलने वाला, तो ऑब्वियसली अपन किस चीज़ को ऑप्ट कर रहे होंगे, पोलर फॉर्म को ऑप्ट करेंगे। तो अगर जेड वन कोई भी कम्प्लेक्स नंबर मैं कंसिडर करूँ, जनरली जेड क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा सेन थीटा, अगर आप जेड वन कंसिडर करोगे तो आर के जगह पे आर वन आ जाएगा, जेड वन का मॉड्यूलस मोर जेड वन होगा और थीटा भी थीटा वन हो जाएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो मैं जेड वन को यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ आर वन इंटू कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, बिल्कुल। एंड जेड टू जो होगा उसको भी अपन आर टू इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू कंसिडर कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वेयर वेयर अगर मैं क्लियरली कंसीडर करूं, वेयर थीटा वन, वेयर आर वन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड वन, आर टू इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड टू, थीटा वन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन एंड थीटा टू जो होगा वह एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू होगा, ठीक है। तो अगर मैं Z1 इंटू Z2 निकालूं तो R1 इंटू R2 होगा, क्लियर है क्या। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 निकालने के लिए तो सबसे पहले दोनों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना, तो आप दोनों को सबसे पहले प्रोडक्ट कीजिए और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा 2 इंटू आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है दोस्त। चलिए देखो यहाँ पे ना कुछ कंपाउंड एंगल्स के फार्मूला यूज़ होगा, वो मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ, है ना। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 दे सकते हो, जो अभी लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट में है क्लास 11th का, उसे पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ कि बस चार फार्मूला बताऊँगा अभी के लिए, याद कर लो, सबसे आसान तरीका। जब ट्रिगो पढ़ाऊँगा तब पढ़ लेना, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कंपाउंड एंगल तब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बट अगर आप नहीं पढ़े हो तो ब्लाइंडली ये चारों फॉर्मूला याद कर लेना, कोई इशू नहीं होगा, जब पढ़ाऊंगा तब डीप में जाके पढ़ाऊंगा, क्लियर। अभी देखो चार फॉर्मूला बताता हूँ। अगर मेरे पास एक एंगल है थीटा वन और दूसरा एंगल है थीटा टू, ठीक है, तो दोनों का समेशन का जो साइन होगा, दोनों का समेशन का जो साइन वाला रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, क्लियर है, बात समझ आ रहा है। उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे आएगा दोनों का डिफरेंस। अगर यहाँ पे डिफरेंस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन कॉस थीटा टू होगा माइनस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू होगा, क्लियर है, माइनस कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू होगा। उसके आगे अगर मैं बात करूँ कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, क्लियर है बोला।
उसके आगे अगर मैं बात करूँ कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, तो क्या मिलेगा उसमें? उसमें मिलेगा कॉस ऑफ थीटा वन इंटू कॉस ऑफ थीटा टू माइनस साइन ऑफ थीटा वन इंटू साइन ऑफ थीटा टू। यानी कि अगर मैं बीच में प्लस लगाता हूँ, अगर मैं बीच में प्लस लगाता हूँ, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, बट इस केस में अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और कॉस वन कॉस 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 एक साथ और साइन साइन एक साथ, ये याद रखिएगा, याद रखने का टेक्निक बता रहा हूँ। और अगर मैं कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बोल रहा हूँ तो ये कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू होगा प्लस इधर आ जाएगा आपका साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। बात समझ आ रहा है आपको? क्लियर है बोला? चलो, तो ये चार प्रॉपर्टीज है अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो ये चार फॉर्मूले आप याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। क्लियर है बोला? आगे बढ़ते हैं। ये चार फॉर्मूला आप याद रख लेना, काम हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, कॉपी में कहीं पे भी साइड में लिख के रख दीजिएगा, ठीक है? तो आगे अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, आर वन इंटू आर टू आएगा। अगर आप यहाँ पे देखने वाले हो तो ये इसके साथ प्रोडक्ट होकर के क्या आएगा, कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू, ठीक है? फिर ये चीज़ इसके साथ प्रोडक्ट होकर के क्या आएगा, प्लस आयोटा कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, प्लस ये इसके साथ प्रोडक्ट होकर के क्या आएगा, आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू, प्लस ये आखिरी वाले के साथ प्रोडक्ट होकर क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, आर वन इंटू आर टू कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू, और आयोटा स्क्वायर अगर मैं रियल पार्ट को एक साथ करूं तो ये माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू हो जाएगा। क्लियर है क्या? और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करने का कोशिश करूं तो आयोटा ऊपर से कॉमन आ जाएगा और यहां पे आपके पास बचेगा साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू। क्लियर है? चलिए, तो यह आएगा आपका आर वन आर टू, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला। क्लियर है? तो अकॉर्डिंगली जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आप क्लियरली देख सकते हो वो थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियरली आपको पता चल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, जो नया कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करके भी एक नया कम्प्लेक्स नंबर जनरेट होगा, उसका जो मॉड्यूलस होगा वो यहाँ पे आर वन इंटू आर टू दिख रहा है, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसको भी मैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्मेट बोल सकता हूँ ना, जो कि पोलर फॉर्म है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो Z1 इंटू Z2 करके नया कम्प्लेक्स नंबर आया, उसका जो मॉड्यूलस हो जाएगा वो ये हो जाएगा पूरा पूरा, और एम्पलीट्यूड ये वाला हो जाएगा। तो हमें एम्पलीट्यूड से मतलब है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, थीटा वन प्लस थीटा टू, और थीटा वन क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 था, और थीटा टू आपका क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 था। क्लियर है? तो यहाँ से आपका अकॉर्डिंगली प्रूफ हो जाता है। आ रहा है बात समझ में मेरे ख्याल से? पूरा पूरा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अकॉर्डिंगली। तो इस चीज़ को अपन इरेज कर रहे हैं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली, मैं आगे बढ़ता हूँ। चल, आगे बढ़ते हैं नंबर थ्री के ओर चलते हैं। नंबर थ्री में सिमिलर थॉट है, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है, बस डिवीजन है। तो डिवीजन है तो कोई घबराने वाला बात नहीं है, सिमिलरली आपको काम करना है अकॉर्डिंगली। और Z2 जो है उसको आप R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 कंसीडर कर लीजिए। वेयर आप जानते हो कि मॉड Z1 किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 किसके इक्वल है, थीटा 1 के इक्वल है,
और मॉड जेड टू किसके इक्वल है, आर टू, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू जो होगा वो होगा थीटा टू के इक्वल। ठीक है, तो यहां से अगर मैं जेड वन बाई जेड टू का बात करूं तो वो क्या होगा, आर वन कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई आर टू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। क्लियर है? तो आर वन बाई आर टू होगा कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन होगा। अभी इसको अगर मेरे को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर का कम्प्लेक्सिटी को वैलिड वैनिश करना होगा। तो इसको वैनिश करने के लिए ऑब्वियसली अब क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ऐसे ही तो करते हो ना आप, जेड वन बाई जेड टू को एक प्योरली रियल प्योरली कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, ऐसे ही करते हो। एग्जैक्टली, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू माइनस आयोटा कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस आयोटा स्क्वेयर साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन। हाँ, यहाँ से ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, दैट इज ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आर वन बाई आर टू यहाँ पे आ गया अकॉर्डिंगली, और ये कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा टू। कॉस स्क्वेयर थीटा टू माइनस आयोटा स्क्वेयर विल बी प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर प्लस। अभी आप यहां से देख सकते हो कि ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एग्जैक्टली, आप देख रहे होंगे यहां से माइनस वन निकलेगा और वो प्लस हो जाएगा, तो एग्जैक्टली यहां पे प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू आ जाएगा। और अगर मैं रिमेनिंग पार्ट में देखूं तो आयोटा जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो इधर आ जाएगा साइन थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू। तो आर वन बाई आर टू है, ये वन हो जाएगा आपका, और ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ ए माइनस बी प्लस आयोटा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। तो एग्जैक्टली ये एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आपको दिख रहा है क्लियरली। अभी आर वन माइनस आर टू जो होगा वो आपका मॉड्यूलस हो जाएगा उसी कम्प्लेक्स नंबर का, और थीटा वन माइनस थीटा टू जो होगा वो आपका एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर मैं ये जो नया कम्प्लेक्स नंबर है जेड वन बाई जेड टू उसका अगर मॉड्यूलस का बात करूँ तो आर वन माइनस आर टू होगा, और अगर मैं एम्पलीट्यूड का बात करूँ तो थीटा वन माइनस थीटा टू होगा। अभी थीटा वन है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन, और माइनस थीटा टू है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू। अकॉर्डिंगली चीज़ें खत्म हो गया। आगे बात करते चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, अकॉर्डिंगली मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट ध्यान से देखिए, इसी के ऊपर बेस करके कुछ एग्जांपल्स लिखा गया है। इसको आप प्रॉपर्टीज के नाम से भी बोल सकते हो और एग्जांपल भी बोल सकते हो, इसमें खास कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। क्लियर है बोला? तो देख लीजिए कोई एग्जांपल्स। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड। अगर मैं बोलूँ एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड क्या है, कैसे निकालोगे आप बेसिकली? ठीक है, तो आपको यहाँ पे माइनस जेड के जगह पे माइनस वन इंटू जेड दिख रहा होगा, और माइनस वन एक रियल नंबर है जो एक कम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम। ठीक है ना, बिल्कुल इस चीज को मैं इस तरीके से डील कर सकता हूँ कि ये माइनस वन इंटू जेड होगा। अगर ये माइनस वन इंटू जेड होता है तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस वन प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होगा। तो अगर ये एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस वन का बात करूं मैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस वन हो जाएगा पाई प्लस, अगर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बात करूं वो तो एज इट इज रहेगा। क्लियर?
तो इस तरीके का छोटा मोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अगर थीटा है तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड क्या होगा। ऑब्वियसली आप लिख दोगे पाई प्लस थीटा, क्योंकि आप जानते हो माइनस वन का एम्पलीट्यूड पाई होता है ना कि माइनस पाई। माइनस साइन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसमें ओपन होता है। हम नेगेटिव रियल नंबर का एम्पलीट्यूड, प्योरली नेगेटिव रियल नंबर का एम्पलीट्यूड पाई कंसिडर करते हैं। ये ऑलरेडी आपको आखिरी लेक्चर में पढ़ाया गया होगा। उसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड बार, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू जेड बार। तो ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस वन प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार। तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस वन का अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका पाई, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार का अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड जेड। तो ये सब छोटे छोटे वन मार्क का क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हो। फिर अगर मैं बोलूँ आपको एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा जेड क्या होगा, तो आप इसको बोल सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। वही प्रॉपर्टी नंबर टू आपने लगा दी, और एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा प्योरली इमेजिनरी नंबर, वो भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होता है। तो उसको 90 डिग्री को आप रेडियन में अगर लिखोगे तो पाई बाई टू लिख सकते हो, प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, बड़ा सिंपल सिंपल चीज़ है ये सब, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर फोर की बात करूँ तो प्रॉपर्टी नंबर फोर भी आप देख लो, अगेन ये भी एक सिंपल पार्ट है, ठीक है ना। अगर मैं बहुत बात करूँ आपको कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू द पावर एम, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू द पावर एम को मैं जेड टू द पावर एम को जेड टू द पावर एम डील ना करके जेड इंटू जेड अप टू एम टाइम्स बोल सकता हूँ, बिल्कुल क्लियर है क्या। अगर ये अप टू एम टाइम्स है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एन का प्रोडक्ट इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड में ब्रेक हो जाएगा, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड में ये आराम से ब्रेक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है ना। क्योंकि प्रॉपर्टी टू को ही अगर मैं जनरलाइज कर देता हूँ तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एन कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ कम्प्लीटली तो ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस डॉट डॉट अकॉर्डिंगली एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे कितने टर्म होगा एग्जैक्टली, आप बोलोगे अप टू एम टाइम्स, एम टर्म होगा ना ऑलरेडी, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर एम जेड है तो एग्जैक्टली एम डिफरेंट टर्म में ही ब्रेक होगा। अगर सेम क्वान्टिटी आप फाइव टाइम्स ऐड कर देते हो तो वो फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन टाइम्स कर देते हो टेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर एम टाइम्स ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एम से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली वही लॉजिक, अगर टू या थ्री मार्क रहता है तो यही लिखना सफिशियंट है, अगर फोर या फाइव मार्क रहता है तो पहले आप प्रॉपर्टी नंबर टू को प्रूफ करो मेरे हिसाब से, फिर उस लॉजिक से इस जनरल स्टेटमेंट को कंक्लूड करो एंड देन ये वाला पार्ट प्रूफ करो, ठीक है। बट टू टू थ्री मार्क के लिए ये प्रूफ मोर देन सफिशियंट है। सिमिलरली अगर मैं फाइव वाले का बात करूँ, वो भी बड़ा आसान चीज़ है, अब आराम से कर लोगे। वन बाई जेड बार, तो यहाँ पे जेड वन बाई जेड टू का लॉजिक लग रहा होगा, तो पहले एम्पलीट्यूड ऑफ वन माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार आएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वन तो जीरो हो जाएगा, प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार हो जाएगा माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और इस सिक्स वाले को भी अगर मैं ब्रेक करने का कोशिश करूँ तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार हो जाएगा। अभी नंबर वन प्रॉपर्टी से आपको पता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इज माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, तो दिस बिकम्स माइनस माइनस प्लस, हैंस टू टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो ये सब बहुत ही आसान प्रॉपर्टी से मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको समझ आ गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड जितने भी है इनका एप्लीकेशन भी मैं साथों साथ ही आपको बता दिया, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी ट्रायंगल इनक्वालिटी कर लेते हैं, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम ये सारी चीज़ को प्रूफ कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, अभी ट्रायंगल इनक्वालिटी हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो इस इनक्वालिटी को आप ऑलरेडी रियल नंबर्स के लिए, अभी तो हम कम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर के डील करने वाले, बट रियल नंबर्स के लिए ये मैं ऑलरेडी आपको क्लास नाइन्थ जो आपका इनइक्वालिटी वाला सेगमेंट है उसमें करा चुका हूँ, आपका टेक्स्ट बुक में ही था, अलग अलग फॉर्मेट में, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मेट में, क्योंकि बुक में अजीबोगरीब प्रूफ, अजीबोगरीब लॉजिक, सब कुछ अनाप शनाप चीज़ें लिखा हुआ है, बट वो समझाने का कोशिश किया है कि वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी सिलेबस में दिया था, बट मैं आपको कराया था प्रॉपरली स्क्वायरिंग वाले मेथड से कैसे प्रूफ करते, बहुत ही सही और सही लॉजिक से मैंने आपको कराया था इस चीज़ को, ठीक है, ए टू जेड सारी चीज़ मैंने डिस्कस किया था ट्राइंगल इनक्वालिटी का।
तो अभी अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी ट्रू है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है, इसीलिए रियल नंबर के लिए भी ट्रू हुआ, क्योंकि रियल नंबर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। बट रियल नंबर के लिए ट्रू है इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि दुनिया के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर नहीं है ना, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल थोड़ी ना है, नहीं है। रियल तभी बनेगा जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें अलग से प्रूफ करना पड़ेगा, ये चीज़ आप समझ सकते हो ऑलरेडी। बट अगर रियल के लिए प्रूफ करना है और आप कॉम्प्लेक्स प्रूफ करके बोलते हो, कंक्लूड कर देते हो, तो बिल्कुल सही है। बट अगर रियल के लिए प्रूफ करके भी कॉम्प्लेक्स के लिए भी कंक्लूड करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप जानते हो, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेजर पार्ट है, उसके अंदर रियल नंबर आता है। तो कैसे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी को फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रूफ करेंगे, देखते हैं। वही पोलर फॉर्म का कंसेप्ट है, बट यहाँ पे कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के लॉजिक्स यूज़ होगा, जो शायद लेक्चर 1, 2, 3 में आपको मिला होगा, कहीं ना कहीं पे लेक्चर 3 वगैरह मिला होगा। बट फिर भी अगर नहीं मिला है तो मैं आपको याद करा रहा हूँ अभी के लिए, अगेन एंड अगेन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब डील कर रहे होंगे, ठीक है। तो लॉजिक यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कोसाइन ऑफ थीटा होता है और साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है ना, साइन थीटा और कोसाइन थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कुछ भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल अगर आप पुट करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उन दोनों के अंदर हो सकता है, ना 1 से बड़ा होगा और ना ही -1 से छोटा होगा। सिमिलरली फॉर कॉस थीटा ऑल्सो, कॉस थीटा का वैल्यू भी हमेशा -1 से 1 के अंदर रहता है। तो सिमिलरली पहले जैसे आप कंपाउंड एंगल के 4 फॉर्मूला अपने कॉपी में आप साइड में लिख के रख दिए थे, यहाँ पर भी आप ये दोनों चीज, ये दोनों इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप यूज़ करके साइड में रख दो, जब अपन ट्रिगो पढ़ रहे होंगे तब डिटेल में आपको चीज बताया जाएगा कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, देखते हैं अकॉर्डिंगली किस तरीके से हम इसको लॉजिकली प्रूफ कर सकते हैं पोलर फॉर्म के मदद से, उस चीज़ को देखते हैं। चलिए यहाँ पे वैसे के लिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2 इनइक्वालिटी है, अरे यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लिखा गया है, बिल्कुल गलत लिखा गया है, मैं आपको सही कर देता हूँ इस चीज़ को, और यहाँ पे आ जाएगा mod z1 - mod z2 का मॉड्यूलस, ये होगा, ये है आपका ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। प्लस के लिए भी है ट्रू, माइनस के लिए भी है, तो प्लस वाला तो मैं करा के दे रहा हूँ, बट माइनस वाला आपका होमवर्क है। यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी लिखा गया है ना, एक है आपका ये इनइक्वालिटी जो प्लस के लिए है, मैंने एक साथ दोनों को रिप्रेजेंट करके लिख दिया, और दूसरा है आपका माइनस के लिए। ये दोनों ट्रू है रियल नंबर्स के लिए भी, आप जानते हो ऑलरेडी, आपको इनइक्वालिटी में कराया गया है, अगर कोई नहीं किए हो तो बिल्कुल मेरा क्लास 9th का इनइक्वालिटी का लेक्चर देख सकते हो, अकॉर्डिंगली ये समझ में आ जाएगा रियल नंबर्स के लिए कैसे प्रूफ करते हैं। बट अभी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो आप तो वो सफिशियंट है, बट रियल नंबर्स को प्रूफ करने का टेक्निक थोड़ा सा अलग है, स्क्वेयरिंग के मदद से करते हैं हम लोग। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है, बहुत स्ट्रांग है, इसको ज्योमेट्रिकली भी हम प्रूफ कर सकते हैं आर्गन प्लेन में, बहुत ही एक लाइन का लॉजिक से मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना डेप्थ वाला प्रूफ है, शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, लोग डेप्थ वाले चीज़ को ना गलत नाम दे देता है, बोल देता है शॉर्ट ट्रिक है, अरे शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ होता ही नहीं है, कोई सही सही टीचर मिलेगा ना ITJ का तो वो बोलेगा शॉर्ट ट्रिक वगैरह मैथ्स में कुछ होता ही नहीं है, अरे नहीं होता यार शॉर्ट ट्रिक, जो भी बोल लोग बोलते हैं वो बिना समझे बोलते हैं, इसीलिए वो शॉर्ट ट्रिक है, उनको लगता है कि वो शॉर्ट ट्रिक है क्योंकि वो समझने की कोशिश ही नहीं करते कि उस ट्रिक के पीछे का लॉजिक क्या है। बट अगर आप उसका डेप्थ में जाओगे तो देखोगे तो ये तो उस टेक्निक से भी और ज़बरदस्त टेक्निक है, ये सोचना तो काफ़ी डिफिकल्ट था ओरिजिनल मैथड से, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बोल के मैथ्स में कुछ होता नहीं है, शॉर्ट ट्रिक का जो लोग जिनको सही से लॉजिक्स पता नहीं है, वो जो YouTube में आप देखते हो ट्रिक 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 करता रहता है, उनको उसको ट्रिक के पीछे का लॉजिक ही पता नहीं है, इसीलिए उनको लगता है कि अरे इससे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, ये ट्रिक है, ऐसा लगता है उनको, ठीक है ना। तो ये अनाप शनाप चीज़ें आप साइड करो। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं आर्गन डायग्राम की मदद से बहुत आसानी से वैक्टर के कंसेप्ट से आपको बता सकता हूं, बट अभी अगर बोलूंगा तो फिर वापस वही बात है, आप कुछ समझोगे नहीं, तो बेहतर है कि जहां पे जो बताना चाहिए वहीं पे बताएंगे 11th के, जब ITJ का मेरा लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हो उस जगह पर आपको अकॉर्डिंगली मिलेगा, या फिर 11th में आपको बताया जाएगा, क्लियर है। कोई ट्रिक नहीं है, वो और डेप्थ वाला तरीका है,
ठीक है, बट एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ मैं बताता रहता हूँ, बट कभी ट्रिक का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि ये ट्रिक नहीं है, ये प्रॉपर कंसेप्ट है, इसको सोचना और डिफिकल्ट है। तो अभी जनरल तरीके से कर लेते चलिए, विद द हेल्प ऑफ पोलर फॉर्म। ठीक है, नंबर टू आपका होमवर्क है, मैं चेक करूँगा कौन कौन करते हो। नंबर टू आपका होमवर्क है ऑब्वियसली, और नंबर वन मेरा काम है, मैं करके दूंगा। ठीक है, चलिए, सिमिलर ही है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, देखो प्लस वाला मैं करके देता हूँ। तो हम सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेंगे, लेट्स जेड वन इज इक्वल टू, और थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा उधर भी इरेज करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली चीज़ों को, रेस कर देता हूँ तो और अच्छे से मैं बता दूंगा। मैं ये चीज़ प्रूफ करने जा रहा हूँ, मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू का ओवरऑल मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। बहुत बच्चा बोलता है सर यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों नहीं लगाए, अरे भाई सम ऑफ टू मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसके बाहर मॉड्यूलस लगाना और ना लगाना अननेसेसरी चीज़ है। अगर आप मॉड्यूलस समझते हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, क्योंकि मॉड एक्स इज ऑलवेज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मॉड लगाओगे भी तो आंसर वही निकल करके आएगा, बिकॉज उस मॉड्यूलस के अंदर जो चीज़ लिखा गया है ये चीज़ वो पॉजिटिव होगा। क्लियर, उसको मैं दिखाऊंगा आपको प्रॉपरली, आप ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेंगे, आर वन इंटू कोस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन एंड जेड टू बराबर आर टू इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। एग्री करते हो? तो सबसे पहले अपन जहां पे आप ये चीज लिख के रख दो ऑलरेडी, वेयर मॉड जेड वन इज आर वन, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन इज थीटा वन, फिर मॉड जेड टू है आपका आर टू एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू है आपका थीटा टू। बात समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? चलिए तो हम Z1 प्लस Z2 निकालते सबसे पहले, फिर देखेंगे क्या किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। Z1 प्लस Z2 हमारे पास कितना आएगा, R1 वन इंटू कोस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस आर टू इंटू कोस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। तो अगर मैं रियल पार्ट को कंबाइन करूं तो ये हो जाएगा R1 वन कॉस थीटा वन प्लस आर टू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा, अगर मैं कन्फर्म बाहर निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा R1 वन साइन थीटा वन प्लस आर टू साइन थीटा टू, आर टू साइन थीटा टू। तो अभी चलिए इसका मॉड्यूलस निकालते हैं अकॉर्डिंगली। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 वन प्लस Z2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो रियल पार्ट का स्क्वायर करो इस जगह पर और साइड में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंगली, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, आर वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस आर टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस टू आर वन आर टू कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये आ जाएगा आर वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस आर टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस टू आर वन आर टू साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। ऐसे ब्रेक हो गए, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया। अभी ज़रा ध्यान से देखिए, अभी अगर मैं दोनों को कंबाइन करने जाऊँ, आपको दिख रहा है क्या, यहाँ तक आपको दिख रहा है क्या? अकॉर्डिंगली मेरे को थोड़ा देखने दो, तो एक लाइन में नीचे लिख दूंगा। हाँ दिख रहा है बिल्कुल, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अगर मैं R1 cos square theta 1
और इसको अगर मैं क्लब करने का कोशिश करूँ तो यहाँ से आर वन स्क्वेयर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वेयर थीटा वन प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वन प्लस आर टू स्क्वेयर, आर टू स्क्वेयर से अगर मैं आर टू स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा टू प्लस साइन स्क्वेयर थीटा टू। और अगेन अगर मैं टू आर वन आर टू कॉमन ले लिया इस टर्म से और इस टर्म से तो अंदर आ जाएगा कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो कन्वर्ट होगा वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉस स्क्वेयर थीटा वन प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वन तो वन होगा, क्योंकि आप जानते हो आइडेंटिटी कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वन होता है। थीटा की जगह में थीटा वन है तो भी क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एंगल के लिए ट्रू है। आइडेंटिटी मतलब होता क्या है, जो किसी भी एंगल के लिए ट्रू होता है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशंस। एक इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन कब बनता है, जब वो उस सारे वेरिएबल के लिए ट्रू होता है। उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा इस वेरिएबल के जगह में कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, जब वो ट्रू रहेगा तभी वो आइडेंटिटी कहलाता है। रियल क्या, कोई भी वैल्यू पुट करो, रियल तो मैंने गलत बोल दिया, रियल क्या कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए और बी का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, इसीलिए इसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ से आर वन स्क्वेयर आ जाएगा, उसके बाद आर टू स्क्वेयर होगा, उसके बाद टू आर वन इंटू आर टू और कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू। तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बोला, अगर प्लस होता है कॉस के केस में तो बीच में माइनस आता है। अभी आपको समझ आ रहा होगा चीज़ें कुछ कुछ कि ये तो सर मॉड निकल गया, ये तो सर मॉड निकल करके आ गया है ना, ये मॉड निकल करके आ गया, बहुत सही बात है, कोई इशू नहीं है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे को इन इक्वालिटी जनरेट करना है, इसके आगे पीछे इन इक्वालिटी चाहिए। तो मैं इन इक्वालिटी कहाँ से जनरेट कर सकता हूँ, मेरे को क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोसाइन से जनरेट हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्टली, वी हैव कोसाइन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू इज लेस देन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। कोसाइन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू इज लेस देन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से अपने को क्लियरली मालूम कर रहा है कि अगर मैं अभी इसके साथ टू आर वन आर टू प्रोडक्ट में है तो टू आर वन आर टू अगर तीनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कोई इशू नहीं होगा, तीनों साइड में मैं टू आर वन आर टू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर टू आर वन आर टू मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनइक्वालिटी का साइन जो था वही रहेगा। क्यों जानते हो ना, क्योंकि टू आर वन आर टू क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। 2R1 R2 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, क्योंकि R1 और R2 तो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और 2 तो पॉजिटिव है ही, तो ये तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव, दैट इज नॉन नेगेटिव होगा, क्लियर है क्या। चलो अभी इस चीज को मेरे को पूरा पूरा फॉर्म करना है, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन का काम तो खत्म कर दिया। अभी बीच में अगर मैं इस चीज को लेकर के आना चाहता हूं तो मेरे को साथ में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर भी चाहिए। तो मैं यहां पे सारे जगह पे क्या कर देता हूं, इनइक्वालिटी के सारे जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर को एडिशन में लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है। आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर को अपन क्या कर रहे हैं, एडिशन में लेकर के आ रहे हैं। अगर मैं एडिशन में लेकर के आता हूँ, अगर मैं एडिशन में लेकर के आता हूँ तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ अपने आप में कैंसिल हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या बन गया आपका, ये तो आपका जो गिवन कंडीशन था वही बन गया, ये तो आपको जो दिया हुआ था वही बन गया, वही अपने जनरेट कर दिया, और ये बन गया आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो अभी मैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट ले सकते हो आप, स्क्वायर रूट बिल्कुल ले सकते हो, सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है इसीलिए ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स रिजल्ट दे देता है आपको, ठीक है। आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर प्लस टू आर वन आर टू कोसाइन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वेयर। देखो अभी आप अगर मेरे से पहले से पढ़े नहीं हो, नाइन्थ में इन इक्वालिटी अच्छे से पढ़ाया नहीं गया आपको, ऊपर ऊपर से एक्सरसाइज करा दिया गया, तो आपको स्ट्रगल होगा। बट अगर आप लॉजिकली पढ़े हो तो आपको मालूम होगा कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर कभी भी एक्स नहीं होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है। क्यों जानते हो क्या,
क्योंकि अगर मैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देता हूं तो इस केस में आप क्या करोगे? अगर मैं 4 को -2 होल स्क्वायर लिखूंगा और उसको आप एक्स -2 लिख दोगे तो रूट 4 का आंसर -2 आ जाएगा, जो कि गलत है। रूट 4 का आंसर -2 कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस कंट्राडिक्शन को हटाने के लिए यहाँ पे मॉड्यूलस यूज किया जाता है, और मॉड्यूलस ऑफ -2 हमेशा क्या होता है? +2 होता है। ठीक है, इस मॉड्यूलस का वैल्यू एक्स आता है जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, इसी मॉड्यूलस का वैल्यू -x आता है जब एक्स नेगेटिव होता है, और इसी मॉड्यूलस का वैल्यू 0 आता है जब एक्स 0 होता है। यही प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस का। तो अगर मॉड के अंदर 2 लिखा है तो मैं बोलूंगा 2 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड एक्स का आंसर क्या आएगा? एक्स आएगा, मतलब जो अंदर लिखा है वही आ जाएगा आंसर। अगर मैं मॉड ऑफ -2 लिखता हूँ तो आप बोलोगे सर अभी तो आपका जो एक्स है वो तो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो उसका आंसर माइनस ऑफ एक्स आएगा, तो एक माइनस लगा दिया और एक्स का वैल्यू यहाँ पे कौन है? -2 है, तो माइनस ऑफ -2 होके ये +2 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मॉड्यूलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव या तो 0 होता है, दैट इज नॉन नेगेटिव होता है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर कभी भी एक्स नहीं होता है, जान के रखना, ना ही एक्स होता है और ना ही प्लस माइनस एक्स होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो यहां से ये सॉल्व होकर के क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 लेस देन इक्वल टू, जो भी आपका इसको लिख दीजिएगा, और ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ R1 प्लस R2। अब ये आप जानते हो दोस्त, R1 R2 तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों का समेशन भी पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों का समेशन पॉजिटिव है, अगर इन दोनों का समेशन पॉजिटिव है, तो क्यों ना मैं नेक्स्ट लाइन में मॉड्यूलस को हटा दूं यहाँ से? कोई इश्यू होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि अगर मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव चीज बैठा हुआ है तो इसका आंसर तो वही आएगा ना। जैसे देखे नहीं क्या, मॉड्यूलस के अंदर अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स का आंसर तो एक्स ही आता है। तो यहाँ पे मॉड लगाना और ना लगाना बराबर है। और अभी आप R1 और R2 का वैल्यू पुट कर दो। R1 क्या था आपका? मॉड Z1, ये था मॉड Z2 लेस देन इक्वल टू, इस अंडर रूट क्वांटिटी का वैल्यू क्या था? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, और लेस देन ये R1 हो जाएगा मॉड Z1 और ये R2 हो जाएगा मॉड Z2। तो ये आपका प्रूफ हो गया होगा प्लस वाला ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप माइनस वाला खुद से प्रूफ कर लेना। मैं जूम में या ऑफलाइन में जिस वर्षन में भी आप मेरे साथ मिल रहे होंगे, मैं उसी वर्षन में आपके साथ ये आपका डाउट्स डिस्कस करूंगा, अगर आपसे नहीं होता है तो। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा एम्पलीट्यूड में आपको जितना भी पढ़ाना था, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड एंड देन ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, बुक में ये चीज़ गधों की तरह मॉड्यूलस के साथ प्रॉपर्टी लिख करके दे दिया फॉर्मेलिटी के लिए, और लिख दिया कि प्रूफ आउट ऑफ सिलेबस है। अरे भाई, अगर एम्पलीट्यूड पढ़ रहे और ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रॉपर्टी हमें मालूम होता है तो ये प्रूफ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, कर सकते हम इसको। पोलर फॉर्म तो सिलेबस में है ना, तो उसी को तो हमने सॉल्व किया, बस एक्स्ट्रा ये वाला चीज़ का जानकारी था। थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी हो सकता है, थीटा 1 थीटा 2 अगर कुछ भी होता है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 तो एक एंगल ही होगा ना भाई। तो कोसाइन ऑफ किसी भी एंगल, थीटा 1 थीटा 2 अगर कोई भी दो एंगल है तो कोसाइन ऑफ किसी भी एंगल, मैंने क्या बोला था? -1 से 1 के अंदर होगा, जहाँ पे दोनों पे इक्वालिटी रहता है। ठीक है ना, तो वही लॉजिक बस एक्स्ट्रा यूज हुआ और किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड्यूलस के साथ तो ये आ ही नहीं सकता है, ये एम्पलीट्यूड के बाद आता है, बट बुक में बुक जो भी लिखा है वो क्या सोचता है और क्या समझता है वही जानता है। ठीक है ना, और यहाँ पे ये चीज़ को लॉजिक को याद रखना कि यहाँ से मॉड्यूलस क्यों हटाया गया, यहाँ से मॉड्यूलस क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि समेशन ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, बट डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा ज़रूरी नहीं है। अगर R1 R2 से बड़ा है कोई मेरे को बोल देता है तब मैं मॉड्यूलस हटा देता, बट अगर R1 R2 से बड़ा है या छोटा है मेरे को तो नहीं पता ना। अगर छोटा होता है तब तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना अगर मॉड्यूलस हटा दूंगा तो। ठीक है ना, तो इस तरीके से डेप्थ में जाके चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा। बात समझ में आया? तो एम्पलीट्यूड के रिगार्डिंग जो भी थ्योरी पोर्शन रिमेनिंग था मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी मैं एम्पलीट्यूड के जो भी क्वेश्चन है उसको पिक करूंगा एंड देन उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते अकॉर्डिंगली। देखो, पहला क्वेश्चन में बोला गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में करा चुका हूँ, बट फिर भी और थोड़ा अच्छे लेवल के साथ यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। आपको एक्सप्रेस करने बोला है इन कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, और उसी के साथ उसका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालने बोला गया है। तो अगर मैं पहला कम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करूं तो वो आपको दिया गया है कोसाइन ऑफ 150 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो प्रॉपरली अगर आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो ये कन्फर्म है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड आपको डायरेक्टली मिल जाएगा अकॉर्डिंगली, आप भी जानते हो। क्लियर है?
तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस का, तो इसको तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना, वन इंटू कोसाइन ऑफ 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 150 डिग्री। तो बिल्कुल ये क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आ जाएगा 150 डिग्री, मतलब सेकेंड क्वार्टर में होगा। लोकेशन कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वार्टर में होगा। और अगर मैं मॉड जेड का बात करूँ तो वो ऑब्वियसली वन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वन दिख रहा है, आर की जगह पे वन है, और आर ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। नंबर टू पे अगर अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जेड बराबर साइन 10 डिग्री प्लस आयोटा कॉस 10 डिग्री। ठीक है सर, मेरे हिसाब से क्लियर है पूरा पूरा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, अच्छा इसको अगर मैं 90 प्लस 60 लिखूं, तो ये कॉस 90 प्लस 60 हो जाए, माइनस कॉस 60 माइनस साइन 60 अकॉर्डिंगली। अच्छा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का थोड़ा सा झोल हो गया। वैसे के लिए क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, यहाँ पे साइन होना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस होना चाहिए था, तो अकॉर्डिंगली मज़ा आ जाता सवाल में, क्योंकि इतना फालतू सवाल मैं क्यों लूँ, इसीलिए मैं सोच रहा था। तो प्रॉपरली अगर मैं क्वेश्चन को लिखूँ, तो यहाँ पे देखोगे कि इस जगह पे साइन होना चाहिए और इस जगह पे कॉस होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री, यहाँ पे कोसाइन, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा और यहाँ पे कोसाइन आएगा। तो अगर मेरे को इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो साइन को कन्वर्ट करना होगा कोसाइन में और कॉस को साइन में। तो अगर साइन को कोसाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप 180 माइनस 30 भी इसको लिख सकते हो, और 90 प्लस 60, बट आप चूज करोगे 90 प्लस 60। क्यों, क्योंकि 90 का मतलब है 90 इंटू 1, दैट इज 90 का ऑड मल्टीपल। 90 का ऑड मल्टीपल आता है, तो साइन चेंज होकर कॉस में चला जाएगा। बट अगर 180 माइनस लेते हैं, तो 180 में आएगा 90 इंटू 2, दैट इज 90 का इवन मल्टीपल, तो वो तो साइन साइन ही रहेगा ना, तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रियल पार्ट में तो प्योर कोसाइन चाहिए हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 180 प्लस माइनस 30 ना लिख के 90 प्लस 60 लिखूंगा, और सिमिलरली साथ वाले को भी 90 प्लस 60 लिखूंगा। तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा अकॉर्डिंगली आपका क्या हो जाएगा, कॉस चेंज होकर के साइन थीटा हो जाएगा, और एज ये सेकेंड क्वार्टर में जा रहा है, सेकेंड क्वार्टर में कोसाइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस आयोटा कोसाइन 90 प्लस थीटा का अगर मैं बात करूँ, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा साइन, सॉरी कोस है, हाँ अरे यार यहाँ पे मैंने क्या कर दी, यहाँ पे तो साइन ही होगा ना यार, क्या फालतू मिस्टेक कर रहा हूँ, साइन ही होगा, क्योंकि ऊपर साइन लिखा है तो नीचे भी तो साइन ही होगा, बस 150 को 90 प्लस 60 लिख दिया। तो अगर साइन 90 प्लस समथिंग का बात करूँ, वो कोसाइन हो जाएगा, तो कोसाइन हो जाएगा, और साइन 90 प्लस 60 मतलब सेकेंड क्वार्टर में चला जाएगा, 90 प्लस 60 डिग्री यहाँ पे। तो सेकेंड क्वार्टर में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस आया। और अगर मैं कोसाइन 90 प्लस 60 का बात करूँ, तो वो तो कोसाइन चेंज होकर साइन हो जाएगा, बिकॉज 90 का ऑड मल्टीपल है, और 90 प्लस 60 सेकेंड क्वार्टर में कोसाइन नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अभी अगर आप देखोगे, तो ये तो cos 60 माइनस आयोटा साइन 60 हो गया, बट हमें अगर पोलर फॉर्म चाहिए, तो हमें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये ज़रूर बताया गया होगा कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे यही लॉजिक यूज कर सकते हो, कि यहाँ पे माइनस साइन 60 को आप साइन ऑफ माइनस 60 लिख सकते हो, क्योंकि साइन ऑफ माइनस 60 माइनस साइन 60 हो जाएगा। क्लियर है क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कोसाइन का प्लस होता है। तो ये भी चीज़ आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे लेक्चर 3 में। तो अकॉर्डिंगली आप देखे होंगे कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा को मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख दिया, और कोसाइन थीटा का वैल्यू कोसाइन ऑफ माइनस थीटा है, तो इसको मैं कोसाइन ऑफ माइनस थीटा लिख दिया। तो ये अभी क्लियरली कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गया।
तो अभी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफोर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो होगा वो 1 होगा, इस जगह से क्लियर है, सॉरी एम्पलीट्यूड माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस जो होगा वो 1 होगा, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छे प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है आपका बुक वगैरह में, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है बट यहाँ पे माइनस देके दिया गया है बुक में, जो मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी करा दिया था, बट अगर प्लस दे करके होता है तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं, क्लियर है क्या। और बिल्कुल ये HSLC में आ सकता है, ऐसा कोई शक वाली बात नहीं है। नंबर 2 के और अगर मैं चलता हूँ तो नंबर 2 में आप देख सकते हो जेड का वैल्यू दे रखा है साइन 10 प्लस आयोटा कोसाइन 10। अगेन ये साइन में है, ये कोसाइन में, तो इसको साइन से कोसाइन में लेके जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं इसको क्या लिखूंगा, 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ, मैं 90 के फॉर्मेट में लिखूंगा, और ये कोसाइन है, इस 10 को भी मैं अगेन 90 माइनस 80 लिख दूंगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से क्लियरली आपको मालूम हो रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो होगा वो तो 80 डिग्री होगा और मॉड्यूलस ऑफ जेड 1 होगा, क्लियर है क्या, बात समझ आ रहा है, कोई डाउट है। चलो तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं मैं। अब मैं समझता हूं कि अगर मैं 1 और 2 करके दिया तो जरूर नंबर 3 आपसे होना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 जो है वो 1 और 2 का ही मिक्सचर है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। अगर 1 और 2 मैंने करके दिया तो जरूर नंबर 3 आपसे सॉल्व होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूं और क्वेश्चंस को लेकर के आगे डील करने वाले अपन लोग। देखो नंबर 4 क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करने का कोशिश किया गया है, ध्यान से देखो। नंबर 4 जेड जो है वो क्या होगा, 6 × cosine of 310 माइनस आयोटा साइन ऑफ 310। एग्री करोगे आप, क्लियर है क्या। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कोसाइन ऑफ 310 को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, बेसिकली ऑब्वियसली मैं इसको 270 प्लस 40 भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं 360 माइनस 50 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एज मेरे को इस जगह पे कोसाइन ही चाहिए, मैं 270 प्लस अगर लिखूँगा, 270 प्लस भी लिख सकता हूँ, 90 का मल्टीपल में ही तो लिखूंगा ना, तो इसको मैं 270 प्लस भी लिख सकता हूँ, 360 माइनस भी लिख सकता हूँ। बट अगर मैं 270 प्लस लिखता तो 270 के जगह पे 3 × 90 आता, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आता, तो कॉस चेंज होकर के साइन बन जाता, जो मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि रियल पार्ट हमेशा कोसाइन में होना चाहिए, क्लियर है क्या। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को 360 माइनस 50 लिख रहा हूँ, सिमिलरली बाजू वाले को भी 360 माइनस 50 लिख रहा हूँ। ये चीज़ बड़ा लॉजिक बड़ा क्लियर है आपका, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आप क्लियरली देख रहे होंगे कि ये तो 4 × 90 माइनस 50 बन गया, और माइनस आयोटा साइन 4 × 90 माइनस 50 हो गया। तो अगर मैं बात करूँ कॉस 4 × 90, 4 × 90 का मतलब क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में कॉस तो कॉस 50 ही रहेगा, ठीक है। और 4 × 90 का मतलब क्या है, 190, 290, 390, 490, 490 से माइनस हो गया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, माइनस आयोटा। ये भी साइन 4 × 90 मतलब इवन मल्टीपल है, तो ये साइन साइन ही रहेगा, और एज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कॉस 50 हो गया और प्लस आयोटा साइन 50 हो गया। तो आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा है मॉड जेड का वैल्यू 6 हो गया और एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 50 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तो ये भी एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का अप्लीकेशन आप बोल सकते हो, क्लियर है। तो प्रॉपरली आप नोट कर लीजिएगा एंड देन अकॉर्डिंगली हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रॉपरली। अगर अपन आगे बात करते हैं तो ध्यान से देख सकते हो अकॉर्डिंगली कि क्या बोला जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बातचीत कर सकता हूँ, जेड दिया गया है 1 + iota, 1 + 2 iota, 1 + 3 iota डिवाइडेड बाई 1 - iota, 2 - iota,
3 माइनस आयोटा। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बहुत बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि सर पहले इसका वो निकालेंगे, मॉड्यूलस निकाल, पहले इसको सॉल्व करेंगे पूरा। मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है? सोचने का लेवल को सोचिएगा आप, है ना। मेथड वन, पहले तो उसको जेड को सिंप्लीफाई करोगे, जेड को सिंप्लीफाई करोगे, जेड सिंप्लीफाई करके उसका मॉड्यूलस निकालोगे, फिर उसका एम्पलीट्यूड निकालोगे, और फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इतना लंबा चौड़ा काम आप करोगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस निकालना है, तो जेड को सिंप्लीफाई करके क्यों निकाल रहे हो? डायरेक्टली निकाल लो मॉड्यूलस। बोले सर डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। प्रॉपर्टी किस दिन के लिए आपको सिखाया गया है? आज ही के लिए तो प्रॉपर्टी सिखाया गया है ना। अगर प्रॉपर्टी सिखा रहे हम लोग, तो किस दिन के लिए सिखा रहे? अभी तो उसका एप्लीकेशन का वक्त है ना। तो मॉड ऑफ जेड वन बाई जेड टू क्या हो जाता है? मॉड जेड वन बाई मॉड जेड टू हो जाता है। तो ये चला जाएगा जेड वन, मॉड जेड वन ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये चला जाएगा आपका मॉड जेड टू। क्लियर है सर? तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऊपर वाली चीज को ब्रेक करूं, तो ये मॉड ऑफ वन प्लस आयोटा इंटू मॉड ऑफ वन प्लस टू आयोटा इंटू मॉड ऑफ वन प्लस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई, इधर अगर मैं बात करूं तो मॉड ऑफ वन माइनस आयोटा, यहाँ पे मॉड ऑफ टू माइनस आयोटा इंटू मॉड ऑफ थ्री माइनस आयोटा, क्योंकि मॉड ऑफ जेड वन जेड टू जेड थ्री हो जाएगा मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू इंटू मॉड जेड थ्री, और नीचे वाला भी मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू इंटू मॉड जेड थ्री में ब्रेक हो जाएगा। अभी अगर मैं मॉड ऑफ वन प्लस आयोटा का बात किया, तो वो कितना आ जाएगा? रूट टू, इसका रूट फाइव, इसका रूट टेन, ठीक है? और नीचे वाले का रूट टू, रूट फाइव, सिमिलरली रूट टेन आएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो मॉड्यूलस जो है वो कितना आ जाएगा? वन आ गया। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। और अगर मैं एम्पलीट्यूड निकालने जाऊँ, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या मैं इसको पहले ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करना मेरे लिए ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास प्रॉपर्टीज़ है, मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाऊँगा। बस ब्रैकेट में साइड में लिखते जाना कि कब क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? क्या समझ में आ रहा है ना? तो अभी मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। मॉड ऑफ जेड वन बाई जेड टू, क्योंकि तीन कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी तो एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो इसको एक कम्प्लेक्स नंबर, इसको एक कम्प्लेक्स नंबर अगर ट्रीट करता हूँ, तो मॉड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन बाई जेड टू क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू। क्लियर है? बोला ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड थ्री, ठीक है? और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड थ्री। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? अभी एम्पलीट्यूड ऑफ वन माइनस आयोटा को अगर मैं बातचीत करूं, एम्पलीट्यूड ऑफ वन माइनस आयोटा जो चीज होगा, उस चीज के बारे में अगर हम लोग डील करें, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वन माइनस आयोटा क्या हो जाएगा? क्लियरली आपको मालूम हो रहा है कि उसको मैं माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वन प्लस आयोटा लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट है वही तो वन प्लस आयोटा है ना। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड में अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल, बात समझ में आ रहा है आपको? एम्पलीट्यूड ऑफ टू प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ थ्री प्लस आयोटा, ठीक है? तो यहाँ से अगर मेरे ख्याल से मैं अगर ऑब्जर्व करूँ इस चीज़ को, तो ये ट्वाइस में चला गया शायद, ये ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वन प्लस आयोटा प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ वन प्लस टू आयोटा प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ वन प्लस थ्री आयोटा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? अभी आप इसका एम्पलीट्यूड निकाल के रख दो, इसका एम्पलीट्यूड निकाल के यहाँ पे रख दो, और इसका एम्पलीट्यूड निकाल के यहाँ पे रख दो। क्लियर है? बस समझ में आ रहा है? तीनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो अल्फा का वैल्यू होगा वही आपका एम्पलीट्यूड होगा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री होगा, टेन अल्फा वन है, ये 45 डिग्री होगा,
ये कोई स्टैंडर्ड एंगल में नहीं है तो इसको टेन इनवर्स टू लिख देंगे, और ये भी कोई स्टैंडर्ड एंगल में नहीं है तो टेन इनवर्स थ्री लिख देंगे। मैंने बोला था अगर टेन अल्फा टू आ जाता है तो अल्फा टू बाई टेन, ऐसा कुछ नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा टेन इनवर्स टू। अभी बस ये लिखना सीख जाओ आप, ऐसे लिखते हैं। होता क्या है ये आप 12 में समझोगे। अभी समझाने जाऊंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, आप भी पागल हो जाओगे। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका एंटायर एम्पलीट्यूड। तो अभी आप इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने गए तो जेड जो होगा, जेड इन पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? जेड इन पोलर फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इन टू कोसाइन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्लियर है क्या? तो मॉड जेड का वैल्यू यहाँ से आपका कितना निकल के आ रहा है भाई? मॉड जेड का वैल्यू 1 निकल करके आ रहा है। कोसाइन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना होगा? कोसाइन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना है? ये वाला चीज़ है, ये इतना बड़ा वैल्यू जो है इसको आप चिपका देना यहाँ पे, ठीक है? और प्लस आयोटा साइन इतना बड़ा एम्पलीट्यूड का वैल्यू को यहाँ पे चिपका देना, ठीक है? क्योंकि इसका इस चीज़ को फर्दर सिंप्लीफाई करना आपको आता नहीं है। अगर आप सीख जाओगे तो आपका आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और भी छोटा कर सकते हो, बट एज अभी के लिए आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे ये दोनों चीज़ रख के ही काम चला सकते हो। क्लियर है क्या सर? ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। तो इसमें तीन तीन इतना बड़ा ना देकर के आपको दो दो में छोटा, इससे छोटा क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जा सकता है इसे। तो बस आप इसको सॉल्व करने मत लग जाना, प्रॉपर्टीज़ जो है उसको अप्लाई करना सीखो। मैं मल्टी डायरेक्शन में चीज़ों को आपको सिखाते जा रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन शायद ही आपका HSLC में आए, है ना? 11th 12th में हम लोग बहुत फेमस क्वेश्चन है। 11th में भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, आता है तो JEE का सिलेबस में ही आता है। पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है, लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली पोलर फॉर्म में नहीं, मैं चलो इतना बोल देता हूँ आपको, इसको ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके दे दो, फिर पोलर फॉर्म मैं कर दूंगा। तो ये मैं आपको होमवर्क में ज़रूर दूंगा, ये चैलेंज है जो मेरे को करके देगा बिना कहीं से सॉल्यूशन देखे, क्योंकि अगर सॉल्यूशन देखे आप करोगे तो मैं ऐसे ही पकड़ लूंगा, ठीक है? तो बिना कहीं से देख के खुद से सोच के करने का कोशिश कीजिएगा, अगर कर पाए तो बहुत बढ़िया ही, ये मेरे तरफ से एक चॉकलेट क्वेश्चन है, ये आपका चैलेंज है। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगेगा। क्लियर है बोला? तो ट्राई कीजिएगा प्रॉपरली, अगर नहीं होता है तो अपन जूम में या फिर ऑफलाइन में जब मिलेंगे अकॉर्डिंगली डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है बोला? बट खैर मेरे ख्याल से मेरे को लगता नहीं कि ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, बट 10th क्लास में ये ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी है। बट फिर भी अगर आपको खुद को चैलेंज करना है तो बिल्कुल आप सोच सकते हो, कर तो सकते हो। जितना टूल आपको पढ़ाया गया है उसके मदद से आप कर तो सकते हो, ये तो बात है, कर सकते हो। बहुत 10th के बच्चों ने मेरे को करके भी दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है? अगर आप ऐसा कोई बच्चे मेरे को वीडियो में देख रहे हो जो मेरे से कनेक्टेड नहीं हो तो ज़रूर आप कमेंट में बता सकते हो या फिर मेरा मैसेज करके मेरे को अकॉर्डिंगली बता सकते हो। चलो आगे चलते हैं हम और रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं अकॉर्डिंगली। देखो ज़रा ध्यान से, चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इज 45 डिग्री, देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, 1 प्लस आयोटा का एम्पलीट्यूड अगर आप खुद से भी निकालोगे तो 45 ही आएगा। तो बस आप यहाँ पे ये बोला गया है एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन, दिया गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है ना? देयर फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा जो होगा वो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार हो जाएगा, क्योंकि जेड जो है वो 1 प्लस आयोटा है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है, तो क्लियरली ये -45 डिग्री। वैसे अगर आपको मैं निकालने बोल दूँ तो भी आप निकाल दोगे, अल्फा 45 डिग्री आएगा और ये 4th क्वाड्रेंट में है तो -45 डिग्री। बट यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो जब ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप निकाल नहीं सकते हो, आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके रिजल्ट बताना पड़ेगा और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सिंस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकालने बोला गया है, ठीक है ना? एक करके देता हूँ, ये होमवर्क है आपका और ये मैं करके दे देता हूँ, ठीक
ठीक है ना। अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करके ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करके एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, ये मैं भी जानता हूँ, बट फिर भी वो सब करने मत जाइएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप हमेशा डिवीजन, जब एक से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो रहा होगा प्रोडक्ट में या डिवीजन में, तो हमेशा मेरा सजेशन आप मान के चलो, आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करो, आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा और मिस्टेक्स होने का चांस भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके का की पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा, तभी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल में जा पाएंगे। क्लियर है क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है ना। तो हियर z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई रूट थ्री आयोटा। देयर फोर एम्पलीट्यूड ऑफ z जो होगा वो हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई रूट थ्री प्लस आयोटा। एग्री करते हो? तो इस चीज़ को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस रूट थ्री आयोटा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ रूट थ्री प्लस आयोटा। क्लियर? माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ रूट थ्री प्लस आयोटा, इस लॉजिक से मैं ब्रेक कर सकता हूँ। अभी आप इसको ए प्लस आयोटा भी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, कैलकुलेशन कम हो गया। अभी आप इसका कम्प्लेक्स नंबर निकाल दो, इसका कम्प्लेक्स नंबर निकाल दो, ठीक है ना। आप मान लो लेट जेड वन इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस रूट थ्री आयोटा एंड जेड टू इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रूट थ्री प्लस आयोटा। फिर आप दोनों के लिए अल्फा वन अल्फा टू निकालो, फिर दोनों को अलग अलग क्वेश्चन मान के सॉल्व कर लो, दोनों का एम्पलीट्यूड निकालो और फिर पुट कर दो, आंसर निकाल दो। मेरे को तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका अल्फा अगर निकालेंगे 10 अल्फा रूट थ्री आएगा, मतलब 60 डिग्री। अभी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है 10 अल्फा 1 बाई रूट थ्री आएगा, दैट इज 30 डिग्री। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना। मतलब 30 आएगा और माइनस तो माइनस की जगह पे, तो ये माइनस 90 आ गया। मतलब अगर इसको मैं सॉल्व करता भी तो ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आ जाता। क्लियर? ये भी मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि एज इस कम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड माइनस 90 आ रहा है, तो माइनस 90 कब होगा? जब एम्पलीट्यूड इस पार्ट में होगा, कम्प्लेक्स नंबर जब इस पार्ट में लाई कर रहा होगा तभी तो एम्पलीट्यूड माइनस 90 आएगा ना। और अगर इस पार्ट में लाई करता है तो ऑब्वियसली आपका कम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा जो कि नेगेटिव साइड में होगा। नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर आप बोल सकते हो। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंगली आपको समेशन वाला भी आप सॉल्व कर पाओगे मेरे हिसाब से, आराम से आप कर लोगे। बस इसको निकाल दीजिएगा। हाँ, टेन अल्फा यहाँ पे माइनस रूट थ्री बाई वन का मॉड्यूलस रूट थ्री आएगा, तो टेन अल्फा अगर रूट थ्री है, इसको अल्फा वन बोल दीजिएगा, अगर ये रूट थ्री है तो इम्प्लाइज अल्फा वन 60 डिग्री होगा। फिर लिख दोगे एज जेड वन लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन मस्ट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा वन, दैट इज माइनस 60 डिग्री। और सिमिलरली इसका भी निकाल दीजिएगा। क्लियर है क्या? ये 1 बाई रूट थ्री आ जाएगा। टेन थीटा 1 बाई रूट थ्री कब होता है? जब थीटा 30 डिग्री होता है। ये सब बेसिक बातें तो ऑलरेडी आपको पता होगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल टूल जो है वो आपको चाहिए होगा कम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए, और वो मैंने बता के दिया है आपको ऑलरेडी क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंगली। चलो अगला क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि वेरीफाई करना है 1 से 3 जो तीन प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लिखा था वो इन कम्प्लेक्स नंबर तो लिखा ही नहीं गया यार, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंगली इसको करेक्ट करके क्या क्या कम्प्लेक्स नंबर है। रूट थ्री माइनस आयोटा एंड 1 माइनस रूट थ्री आयोटा। फॉर रूट थ्री माइनस आयोटा एंड 1 माइनस रूट थ्री आयोटा, ठीक है ना। तो सिंपल सा चीज़ है, आपको वेरीफाई करना है। तो आप इस कम्प्लेक्स नंबर को जेड वन मान लोगे, इसको आप जेड टू मान लोगे, और फिर आप तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ कर दोगे। तीनों नहीं, बेसिकली 2 से 3 को आपको प्रूफ करना है। पहला वाला तो वेरीफाई क्या करोगे, वो तो आसानी है एकदम। कंजुगेट निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ माइन जेड बार निकालना और माइनस जेड के इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। प्रॉपर्टी 2 और 3 आप वेरीफाई कर लीजिएगा। आप पहले जेड वन इंटू जेड टू निकालेंगे, फिर उसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे, है ना। और फिर जेड वन निकालेंगे, फिर जेड टू, एक करके दे देता हूँ ना, क्या एक करके दे दूंगा तो दूसरा वाला आप कर लोगे। चलो एक कर देता हूँ, एक क्वेश्चन कर देता हूँ। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, लेट जेड वन इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस आयोटा एंड जेड टू इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री आयोटा। क्लियर है क्या? तो
देयरफोर मॉड जेड वन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रूट थ्री स्क्वेयर प्लस माइनस वन का स्क्वेयर जो कि रूट फोर आएगा विच इज टू। ठीक है, नाउ टेन अल्फा वन जो होगा वो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री विच इज वन बाई रूट थ्री। तो यहाँ से अल्फा वन जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा। अभी आप लिखोगे एज जेड वन लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट देयर फोर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन जो होगा वो हो जाएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो -30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे आप मॉड जेड टू निकाल दोगे वो आ जाएगा अंडर रूट वन स्क्वेयर प्लस माइनस रूट थ्री का होल स्क्वेयर, तो अंडर रूट वन प्लस थ्री हो जाएगा, फोर का स्क्वेयर रूट टू हो जाएगा। तो अभी अगर आप निकालोगे तो टेन ऑफ अल्फा टू इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस रूट थ्री बाई वन विच इज रूट थ्री, तो अल्फा टू आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो अभी आप लिखोगे एज जेड टू लाइज ऑन कौन सा क्वाड्रेंट, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफोर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू इज -60 डिग्री। अभी आपका बाकी क्या है, वन मान लो, इसको टू मान लो, और अभी जेड वन जेड टू निकालना बाकी है। तो जेड वन जेड टू क्या हो जाएगा, रूट थ्री माइनस आयोटा इंटू वन माइनस रूट थ्री आयोटा। तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री आयोटा माइनस आयोटा प्लस रूट थ्री आयोटा स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस फोर आयोटा हो जाएगा। अब लिखोगे एज जेड वन इंटू जेड टू इज ए प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, देयरफोर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन जेड टू जो होगा वो -90 डिग्री होगा, और उस -90 को आप -60 -30 लिख सकते हो, और इसी को आप एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू लिख दोगे, और वो आपको कहाँ से मिला, इक्वेशन वन और टू से मिला, फ्रॉम वन एंड टू। हेंस इसके बाद जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई। क्लियर है क्या? इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर करना है अगर वेरीफाई आपको पूछा जाता है, सारी चीज़ अलग अलग से निकाल के आपको फाइनली कंक्लूड करना होगा। बात समझ आ रहा है मेरे ख्याल से, पूरा एक एक चीज़ क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए रिमेनिंग प्रॉपर्टी नंबर टू थ्री जो है उसको आप खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं अकॉर्डिंगली चेक करूँगा, फिर भी अगर डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा। मैं रेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नंबर फाइव, नंबर फाइव देखिए, कुछ वन मार्क का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, बी जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब बी कोई भी एक रियल नंबर है, और बी जो है वो नेगेटिव है, दैट इज नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है ना, तो आपको निकालने बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा इंटू बी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा इंटू बी को मैं एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा इंटू प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ बी लिख सकता हूँ बाई प्रॉपर्टी टू, ब्रैकेट में रीजन लिखना है तो लिख दीजिएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो ये तो 90 डिग्री आएगा, पाई बाई टू, और एम्पलीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, एज बी एक नेगेटिव रियल नंबर है, रियल है और नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, प्लस 180 डिग्री होगा इसका एम्पलीट्यूड, ऑब्वियसली इसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होगा, प्लस 180 डिग्री होगा। क्लियर है क्या, इसका एम्पलीट्यूड प्लस 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से तरीके से देखूँ तो 180 और 90 मिलके 270 आ जाएगा। बस यहाँ पे तो कंट्राडिक्शन आ रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कैसे 270 आ सकता है, ये एक बहुत बड़ा डाउट है यहाँ पे। ठीक है, जो बच्चों का आता है अक्सर। ठीक है ना, अगर आप तरीके से देखोगे कि बी अगर नेगेटिव है और बी रियल नंबर है, मतलब नेगेटिव रियल नंबर इंटू आयोटा, मतलब ये क्या बन जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर नेगेटिव में बन जाएगा, नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड का आंसर -180 आना चाहिए। ठीक है,
तो सॉरी -90 आना चाहिए, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो -180 होगा। क्लियर है क्या? बट आप बोलोगे सर -180 तो एम्पलीट्यूड होता नहीं है कभी, ठीक है ना, आप कैसे कंसीडर कर रहे हो? तो वहीं पे आता है जनरल एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट, समझ में आता है ना, +2 n पाई का कंसेप्ट। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से ब्रेक करके करोगे तो यहाँ पे -180 कंसीडर करना होगा जो जनरल एम्पलीट्यूड से आपको फील आएगा। बट अगर आप डायरेक्टली आंसर देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो कि बी अगर एक, इसका आंसर -90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? सिंस बी इज अ नेगेटिव रियल नंबर, सिंस बी इज अ नेगेटिव रियल नंबर, सो आयोटा बी इज अ प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर। मान लो बी -3 है, तो -3 आयोटा क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव इमेजिनरी नंबर होगा ना, जिसका एम्पलीट्यूड -90 होता है, क्योंकि 0 से नीचे वाई एक्सिस में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेते हो उसका हमेशा एम्पलीट्यूड -90 आएगा। विच प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर हुज एम्पलीट्यूड इज -90 डिग्री। अरे बात क्लियर है? चलो, जो कंट्राडिक्शन मैंने बताया वो याद रखिएगा, यहाँ पे जनरल एम्पलीट्यूड का रोल आता है जो अभी आप फिलहाल समझ नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगला वाला क्वेश्चन, बी अगर पॉजिटिव रियल नंबर हो गया तो आयोटा बी एक पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, एंड हैंस उसका एम्पलीट्यूड 90 डिग्री होगा। बट अगर प्रॉपर्टी से ब्रेक करके करने जाओगे आप तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरल एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट प्ले हो रहा है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ कि ये हमेशा ट्रू है या फॉल्स है, सारे बच्चे 100% जनता मेरे को हमेशा पहला ही जब ये क्वेश्चन को मैं पूछता हूँ आंसर ट्रू देता है, ट्रू देता है। बट ये स्टेटमेंट गलत है। आप स्कूल में भी किसी को पूछोगे, मास्टर या फिर कहीं किसी को भी, तो वो हमेशा इसको ट्रू ही देगा आंसर, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाएगा ना। क्यों ट्रू है देखो, क्योंकि वो इसीलिए बोलेगा ट्रू है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इज माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, तो ये कैंसिल होकर के आंसर 0 आ गया। ठीक है ना, ये होता है आम जिंदगी, ये होता है आम जिंदगी, है ना, जो बोर्ड्स का 100 100 होता है, बोर्ड्स का 100 100 लेवल ये होता है। ठीक है, बट ITJ जो है वो यहीं पे सबसे अलग हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे क्यों ये चीज गलत है जरा ध्यान से देखिएगा, ये एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बस इसको मैं फॉल्स इसीलिए बोलूंगा क्योंकि कॉमा देके जेड नॉट इक्वल टू 0 नहीं दिया गया है। क्लियर है? बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर जेड कभी 0 हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा, कौन होगा इसका जिम्मेदार, कोई रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा? तो आपने तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किए कि जेड 0 है या नहीं है, एज ए जेड 0 के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं इसको ट्रू कैसे बोल दूंगा? अगर कॉमा दे करके लिख देते हो जेड नॉन जीरो है तब ठीक है, फॉर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़े थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 हो जाता है तो उसका एम्पलीट्यूड तो डिफाइंड ही नहीं होता है। स्पेशल करके आपको पढ़ा के भी दिया है ये चीज, क्यों डिफाइंड नहीं होता है बोला भी था, जब आप निकालने जाओगे 0/0 आएगा जो कि अनडिफाइंड है। बात समझ आ रहा है ना? इसीलिए ये प्रॉपर्टी उसी वक्त ट्रू होगा जिस वक्त जेड एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर है? तो ध्यान से इसको आप समझ कर रखिएगा। चाहते हो, अगर मैं इसको प्रॉपर्टी 1 में लिखा नहीं, मैं अलग से क्वेश्चन कराता हूँ इसीलिए, अगर आप चाहते हो तो प्रॉपर्टी 1 में भी जरूर लिख करके रख देना कॉमा दे करके कि वेयर जेड इज नॉन जीरो। अगला क्वेश्चन में अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + iota है, यहाँ पे तो जेड नॉन जीरो है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + iota तो ऐसे ही रहेगा, और एम्पलीट्यूड ऑफ 1 - iota को मैं 1 + iota का बार लिख सकता हूँ। और आप जानते हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार जो होता है वो माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है, सिंस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इज माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर के आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया आपको? मेरे ख्याल से पूरा पूरा कहानी क्लियर हुआ होगा, कोई इशू नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो आज के लिए मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ, है ना। आपका इस लेक्चर को देखने के बाद आपका जो होमवर्क है वो है 2.4, जितने भी एग्जाम्पल्स है उस एक्सरसाइज के अंडर पे, और उस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपका होमवर्क है। क्लियर है?
तो वो सारे चीज़ को आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, और फिर जो भी डाउट है अकॉर्डिंगली आप अपना जूम सेशन या ऑफलाइन सेशन में पूछ सकते हो। क्लियर? और अगर अगर ऐसा कोई बच्चा मेरे को देख रहे हो जो मेरे से कनेक्टेड नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली टेलीग्राम या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है? बोला तो लास्ट हमारा 10th के सिलेबस का कम्प्लेक्स नंबर 10th में जितना भी है उसका एक लास्ट टॉपिक बाकी है, स्क्वेयर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। स्क्वेयर रूट वाले टॉपिक को खत्म करेंगे एंड देन उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं जिस प्रकार के, उन सभी को कंप्लीट करने के बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए मैं एम्पलीट्यूड पूरा पूरा ए टू सेट कंप्लीट हो चुका है, आज के लिए मैं यहीं तक चीज़ों को समाप्त करूँगा, और जब भी हमारा अगला लेक्चर आएगा लास्ट लेक्चर, उसमें हम स्क्वेयर रूट वाले पूरा टॉपिक को डील करेंगे। क्लियर? तो इसी के साथ साथ मैं अलविदा बोल रहा हूँ आपको। प्रॉपरली नोट्स बना लीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा, एंड देन अकॉर्डिंगली अगले लेक्चर आप देखिएगा। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। अलविदा।